भाजपा के सांसद रमेश बिदरी द्वारा आपके साथ जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया उस पर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या नजरिया है? लेकिन मैं उस अभद्र भाषा को रिपीट नहीं कर और मैंने कहा कि मैंने लोकसभा के अंदर ही जब मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस किया तो उस वक्त भी मैंने वो गालियां रिपीट नहीं करी जो उन्होंने मुझे देखा जाता था कि आम मुसलमानों को लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन एक भरी संसद में इस भाषा का प्रयोग किया गया। देखिए जिन लोगों को ये पढ़ाया जाता है जिन शाखाओं में ये सिखाया जाता है जिन पाठशाला में इन्हें पढ़ाया जा रहा है वो अभी तक संसद के बाहर था। वो नफरत की दुकान संसद के बाहर थी, वो नफरत का बाजार था। आपने अपने विचारों को जो आपको सिखाया गया है उसकी पराकाष्ठा संसद के लोकसभा के पटल पटल से ज्यादा इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला और कोई दिन हो नहीं। लेकिन जिस तरह से स्पीकर ने इस पे पूरी घटना पे प्रतिक्रिया दी या जो भी उन्होंने सिर्फ उनको एक कहते हैं कि उनको एक वार्निंग देकर छोड़ दिया, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जिस प्रकार संजय सिंह और राघव चड्ढा को निलंबित किया गया था उस प्रकार नहीं किया गया, तो दोनों घटनाओं में क्या नजर आता है? संजय सिंह का दोष था, संजय सिंह का तो अभी जो मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो घुमाया गया उस पर चर्चा की मांग करते हैं और वो मांग करते करते वो पीठ के पास तक पहुंचे राहुल गांधी आपसे मिलने आए चूंकि आप बसपा के सांसद हैं तो मायावती जी का उतना विरोध सामने नहीं आया, इसे किस प्रकार से देखते हैं आप? और किसी नेता का अपना स्टाइल नहीं, हम लोगों को जैसे उम्मीद थी कि मायावती जी कुछ बोलेंगी तो उन्होंने एक साधारण सा ट्वीट करके अपना विरोध दर्ज कराया, तो हो सकता होगी इसमें कोई स्ट्रेटजी हो, इसमें मैं क्या कर सकता। लेकिन क्यों मुसलमान अपने आप को इससे बसपा के साथ कनेक्ट कर पाते हैं फिर? ये तो भी पार्टी के लीडर को तय करना है, जब आप एक सांसद के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं पार्टी इस पर विचार करेगी कि क्या करना है क्या नहीं। तो आपका एक नकवी साहब का ट्वीट आया था कि आपको ड्रामा करना है कांग्रेस में जाने के लिए, और नकवी वही जिनको बीजेपी ने इस्तेमाल करके दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया वही नकवी। हाँ वो तो जैसे खुद ड्रामा करते हैं ऐसी शायद सोचते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी की भावनाएं आहत हुई हो, किसी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हो और उसके जख्म पे मरहम लगाने भी कोई ना है। तो जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि क्या आप कांग्रेस में जा रहे हैं, ये सब बीजेपी का जो लार्जर इशू है उससे ध्यान भटकाने का एक साजिश है कि जो रियल इशू है जिसलिए श्री राहुल गांधी मेरे पास आए हैं मेरे जख्मों को मरहम लगाने आए, भारत के जख्मों को मरहम लगाने आए, वो एक कॉन्फिडेंस देने आए, उनके अंदर एक सेंसिटिविटी है। भाजपा में तो जो है ये सब होता नहीं, तो आप नहीं चाहते कि किसी के जख्मों पर मरहम भी लगाए कोई, आप तड़पते तड़पते छोड़ना चाहते हैं। इसमें बस उनको एक ये भी लगता है कि बसपा कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि भाजपा को एक खुला मैदान देती है विपक्ष की तरफ से, तो आपको क्या लगता है आपके साथ खड़ी नहीं हुई पार्टी आपकी? नहीं, मेरे साथ खड़ी हुई है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी ग्रेविटी क्या है वो लोग एनालिसिस करेंगे। लोगों को तो यही दिखता है पार्टी आपके साथ खड़ी है, आजकल मीडिया का दौरा सब कुछ मीडिया में दिखता है कि कौन आपके साथ है। जैसे राहुल गांधी जी आए
आपके पास नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ पूरा देश करना है जी, बिल्कुल, पूरे देश की जनता के लिए जी, सभी विपक्षी दलों के सभी नेताओं का की प्रतिक्रिया, लेकिन जिसे उम्मीद थी फोन आना, सिविल सोसाइटीज के लोग रोज मेरे पास आ रहे हैं, सब लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं है, सीधा अपना तरीका होता है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा अपने घर के गार्जियन से उम्मीद होती है, जैसे मायावती जी से आपको होगी? मुझे कोई अफसोस नहीं और मैं ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखता हूँ, जो आ जाए उसका भला, क्योंकि वो बदल उन्होंने जो उनका फर्ज था वो निभाया। जैसे कि हमने देखा है हाल के दिनों में जब भी कोई संसद को निलंबित किया गया है विपक्ष के, तो सारे विपक्ष ने या उनकी पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया है, और ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय को विशेष तौर पर टारगेट किया गया था। ऐसे में बसपा प्रमुख का कुछ ना बोलना, वो जाने उनकी कोई स्ट्रेटेजी हो, बट आप अब आगे क्या कर रहे हैं इसमें, जो भी है क्योंकि सदन में बोला गया है तो इसमें कोई केस तो नहीं बनता, लेकिन आप राजनीतिक तौर पे या पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं इसको लेकर? हम इंतजार कर रहे हैं, शायद कोई कार्रवाई हो, इंतजार करना, फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन अपनाते हैं।